नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत जो है डिजिटलाइज हो जाए, और उसी को मद्देनजर रखते हुए J&K में डिजिटल अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। मैम, आज डिजिटल अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, किस तरह से अवेयरनेस डिजिटल के बारे में दी जा रही है? तो जैसा कि आपको पता है कि आज जम्मू कश्मीर डिजिटल वीक, ये दूसरा इसका एडिशन है। पिछला एडिशन हमने गत वर्ष मनाया था जब हमने डिजिटल जम्मू कश्मीर कार्यक्रम को लॉन्च किया था। तो ये एक तरह से सेलिब्रेशन है हमारी डिजिटल जर्नी की। अभी दो दिन पहले ही हमने 1000 सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज का आंकड़ा पार किया है। तो ये एक बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धि है, और मैंने कहने एक ऐतिहासिक क्षण भी है जब जम्मू कश्मीर ने मध्य प्रदेश और केरल जैसे क्षेत्रों को, जिन्होंने डिजिटल अपना सफ़र बहुत पहले हमसे शुरू किया था, उनको पीछे छोड़कर आज हम अपनी सभी सरकारी सेवाएं G2B और G2C सर्विसेज ऑनलाइन माध्यम से दे रहे हैं। तो एक लोगों से जुड़ाव का एक माध्यम है ये डिजिटल वीक, जो सभी ज़िलों में 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक मनाया जा रहा है। और आज यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, माहौल देखते ही बनता है, डिजी मेले का उद्घाटन है, और इसमें सभी विभागों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, क्योंकि जो वो सरकारी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं उनके बारे में जानकारी देना। और गत वर्ष में कुछ हमने ऐसे नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, चाहे वो डिजी सहायक हो जो कि हमारा मल्टीलिंगुअल चैटबॉट है, या फिर डिजी दोस्त हो CSE के जो VLEs हैं जो घर घर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी करें सर्विसेज की, या फिर डिजी दोस्त है जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से भी आप सभी ऑनलाइन सेवाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज डिस्ट्रिक्ट जम्मू का ये जो कला केंद्र में उद्घाटित किया जा रहा है, डिजी मेला तो चलेगा ही, साथ के साथ स्कूली बच्चों, PRI रिप्रेजेंटेटिव, सीनियर सिटीजन्स पर फोकस करना, ताकि एक तरह से डिजिटल इंक्लूजन हो, डिजिटल समावेशन हो, वो हमारा उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के साथ ये डिजिटल वीक है, जो कि एक सेलिब्रेशन है जम्मू कश्मीर की डिजिटल जर्नी का, और साथ ही लोगों को अपने साथ जोड़ने का एक माध्यम है। आपका नाम? मेरा नाम शिखा बडियाल। शिखा, आज आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हैं, किस तरह से लोगों को अवेयर कर रही हैं कि डिजिटलाइजेशन की ओर वो बढ़े? मैम, हम लोगों को जो है, गरीब लोगों को ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करते हैं, PCP पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, विडो पेंशन। पहले तो ऑफलाइन था, अब हमने मतलब कि सारा डिजिटलाइजेशन कर दी हुई है। उसमें जहाँ पे jansugam.gov.jk.in पे वो अप्लाई कर सकते हैं। ओनली PHH एंड AAY मतलब कि जो यूज़र्स हैं राशन कार्ड, वो इसके लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं। विडो एंड ओल्ड एज, और जो डिसेबिलिटी, जो इन केस डिसेबिलिटी है, वो कोई भी राशन कार्ड यूज़र हो वो अप्लाई कर सकता है इसमें। उसे आपका कोई पोर्टल है? जी, हमारा जनसुगम पोर्टल है, जो हमारी वेबसाइट है वो है jansugam.jk.gov.in पे वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका नाम? मैं सर डॉक्टर सुधीर लंगे फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट किस तरह से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, और जो ज़्यादातर देखा जाता है कि एनिमल हस्बेंड्री में जो लोग हैं, जो काम करते हैं, वो रूरल एरिया से आते हैं, उनको इस प्रोग्राम से कैसे अवेयर किया जा रहा है? मैम, हमारा यहाँ पे जो बेसिक मुद्दा ये है कि हमारा डिजिटलाइजेशन की तरफ जो डिपार्टमेंट ने ले रहे हैं इसको, इसमें हमारी प्राइमरी जो स्कीम रिसेंटली लॉन्च हुई है वो है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें रिसेंटली हर एक पंचायत में 3 डेज का एक कैंप लगता है बाय आर कंसर्न डॉक्टर, वो 3 दिन कैंप वहाँ पर लगाते हैं और अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस जो होलिस्टिक हमारी HADP की स्कीम है उसके रिगार्डिंग देते हैं। उसमें हम बताते हैं कि किस तरीके से आप डिजिटल वे में आप किस तरीके से फॉर्म आप भर सकते हैं। हमारा एक पोर्टल खुलता है वहाँ पे किसान साथी का, किसान साथी में आप ये देख सकते हैं, सिंपल ये एक QR कोड से ये पैम्पलेट्स हमारे जाते हैं, सिंपल इस QR कोड को स्कैन करके वो किसान साथी पोर्टल पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमारी एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं वो वहाँ पे ओपन अप हो जाएंगी, वो उस पोर्टल पे उन स्कीम्स को पढ़ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों में वो अवेलेबल है। वो पढ़ने के बाद वहाँ पे एक एग्ज़ाम, सिंपल एक Q&A टाइप होता है, वहाँ से वो Q&A करके उनका एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है कि दिस पर्सन हैज़ एनरोल्ड द स्कीम ऑफ HADP। देर आफ्टर फिर उसको हम क्या करते हैं कि वो हमारे डिपार्टमेंट के पास जाएगा, जैसे हम उसको बताते हैं किस तरीके से आपने उस पोर्टल पे आपने उस कोई भी सब्सिडाइज स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करना है। वो एक सिंपल हमारे चार्ट भी बनाया हुआ है, www.hadp.jk.gov.in के ऊपर जाके
ही हैज़ टू गो फॉर एप्लीकेंट, एप्लीकेंट में जाके उसने रजिस्टर करना है, अपना फ़ोन नंबर डालना होता है, फ़ोन नंबर के साथ साथ वो OTP आएगा वो डालेगा, फिर बेसिक डिटेल्स उसने भरनी है। बेसिक डिटेल्स भरने के बाद जैसे और आगे वो खुल जाएगा, हमारे तीन सेक्टर जो है इसमें कवर हो रहे हैं, एक डेयरी सेक्टर, एक पोल्ट्री सेक्टर और थर्ड वन इज़ द फॉर्डर डेवलपमेंट सेक्टर। ये तीन सेक्टर हमारे यहाँ पे कवर होते हैं। इनमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। हमारे डेयरी सेक्टर में अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप या FPO है, उसको उन्होंने मिल्क वैल्यू एडिशन के अगर जाना है तो उसमें एक पर्टिकुलर सब्सिडाइज रेट पे उनको BMC के ऊपर 20 लाख रुपीज ऑन BMC, AMC एंड ऑटोमेटिक मिल्क कूलिंग मशीन और मिल्किंग वैन अगर वो लेना चाहते हैं, मिल्किंग कैंस लेना चाहते हैं, तो उनको 5 लाख रुपीज उनके ऊपर सब्सिडी मिलती है, प्लस 3% ओवर द कैपिटल, दैट इज 3 लाख रुपीज उनको अलग से मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, पोल्ट्री सेक्टर में अलग स्कीम हमारी, अगर सपोज 10,000 लेयर बर्ड के लिए खोलना चाहता है कोई, तो उसको एक लेयर बर्ड के ऊपर 200 रुपीज़ पर बर्ड अलॉन्ग विद 30% ओवर द वर्किंग कैपिटल, और AHIDF हमारी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है, उसके अंडर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी वो ले सकता है। सर, आज JNK डिजिटल वीक मनाया जा रहा है, BSNL किस तरह से इसमें कॉन्ट्रीब्यूट दे रहा है? मैं अश्वनी पटेल, मैं मार्केटिंग का पूरा देखता हूँ जम्मू BA का, और डिजिटल वीक में आज की डेट में नॉट ओनली द इन जम्मू कश्मीर, ऑल ओवर इंडिया BSNL एक पिविटल रोल प्ले कर रहा है डिजिटलाइजेशन में, जिसके थ्रू हम लोग क्या पूरा अपना 4G नेटवर्क ला रहे हैं, जो कि होममेड इक्विपमेंट्स होगा इसमें, हमारे पूरे जो हमने POs दिए हैं, जो नेटवर्क और इसमें इक्विपमेंट्स यूज होंगे, सब कुछ नेटवर्क हमारा होममेड होगा, कुछ भी बाहर का किसी भी कंट्री का नहीं हो रहा होगा, जैसा कि दूसरे कंपनीज अदर हमारे जो कंपनीज हैं वो बाहर से इक्विपमेंट खरीदते हैं, देन इट इज़ डिप्लॉयड इन द इन आवर कंट्री एंड देन एवरीथिंग टेक्स प्लेस। बट इस बार हमारे गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किया है कि पूरा जो भी हम जो सुई से लेके जहाज़ तक एवरीथिंग विल बी प्रिपेयर्ड इन इंडिया इटसेल्फ और इट विल बी डिप्लॉयड इन इंडिया एंड दैट 4G दैट उस पर जो कॉल चलेगी BSNL की कॉल चलेगी स्वदेशी कॉल चलेगी, तो ये पूरा हम लोग इसके थ्रू स्वदेशी नेटवर्क के थ्रू पूरा डिजिटल एक रिवोल्यूशनाइज पैदा कर रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री, नॉट ओनली इन JNK। डिजिटल रेवोल्यूशन की बात की जा रही है BSNL की, तो क्या ये सिर्फ अर्बन में है या रूरल एरियाज में भी होगा? मैम, जो हम अभी फोकस कर रहे हैं वो प्रेजेंट हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो रूरल एरियाज में ही है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हमें जो अनकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे अभी तक सिग्नल अवेलेबल नहीं है वहाँ पे फॉरमोस्ट हमें सिग्नल अवेलेबल कराना है, और इन एडिशन टू दैट यहाँ पे फाइबर्स अवेलेबल नहीं है, फाइबर अभी अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है, तो दैट लोग इजिली फाइबर लगा सकें उसको डिस्काउंटेड रेट पे, ठीक है, विद नो इनिशियल कॉस्ट हम फाइबर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं मैम। तो रूरल जो है वो ज़्यादा फोकस है देन अर्बन। डिजिटल इंडिया के तहत जम्मू कश्मीर डिजिटल वीक मना रहा है, जिसमें कई सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इसमें शामिल हुए हैं और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किस तरह से अब ऑनलाइन मोड पे वो इजी तरीके से अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो स्कीम्स हैं उनके फ़ायदे उठा सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, इन स्कीम्स के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।